हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और नेक पैगंबर थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया की बादशाहत दी थी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मैं आपकी सारी मखलूक को दावत देना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से वही आई, नहीं सुलेमान, तेरा काम नहीं है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ज़िद की तो उनको इजाज़त मिल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जिन्नात और इंसानों को खाना बनाने पर लगा दिया और हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। इतना सारा खाना बन गया था कि दस्तरखान की एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में एक महीने का वक्त लग जाए। जब खाना तैयार हो चुका था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, खाना तैयार हो चुका है। अल्लाह ने कहा, पहले किसको खिलाओगे, ज़मीन वालों को या पानी वालों को? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पानी वालों को पहले खिला देता हूँ। तभी एक मछली पानी से बाहर आई और सारा खाना एक नवाले में खा गई। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफ़ी मांगी। दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है जो हर एक चीज़ पर कादिर है और किसको कितना रिज़्क देता है किसी को पता भी नहीं चलता।